गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कुछ बात कर लें। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, चारों चैप्टर का हमने रिवीजन आप लोगों को करा दिया है, जिसका एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब दोबारा PDF से भेजे हैं, जो आप लोगों को मिल गया होगा। तो जिस भी बच्चे का अगर छूटा होगा एक भी क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज में कुछ छूटा होगा, वो लोग उस PDF को देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से उसे हर चैप्टर को लर्न करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज हमने आप लोगों को कराए हैं बुक में, वो सारे एक्सरसाइज आप लोगों को PDF से भी हम भेज दिए हैं। तो जो लोग अपनी बुक में एक्सरसाइज नहीं भरे होंगे, वो लोग फिर से PDF देख कर अपना एक्सरसाइज का भर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो गया है PDF से, उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, सर्वनाम। सर्वनाम से क्या तात्पर्य है बच्चों? सर्वनाम को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। मीन्स जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने से क्या मतलब है? संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है या किसी वस्तु का नाम होता है, तो उसकी स्थान पे हम नाम के स्थान पे वह, वस्तु के स्थान पे वह, या स्थान के जो किसी जगह का नाम है उस पे हम उस स्थान को उसके नाम से कहेंगे। यही क्या है? हमारा सर्वनाम है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, पढ़िए और समझिए, लिखा है पढ़ो और समझो। अलीशा, आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता हुई, मैं उसमें प्रथम आई। ये अलीशा क्या है? किसी लड़की का नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम है। और अलीशा कह रही है अपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से, कि आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता हुई, मैं उसमें प्रथम आई। मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अलीशा ने अपने आप के लिए क्या इस्तेमाल किया? मैं। अमन, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला? आप देखिए, अमन क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है ना। तो अमन पूछ रहा है उसे कि तुम्हें क्या पुरस्कार मिला। तुम्हें मतलब अलीशा को कह रहा है। तो यहाँ अलीशा को सर्वनाम से पुकार रहा है, तो किस सर्वनाम से पुकार रहा है? तुम्हें, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला। अलीशा फिर कह रही है कि मुझे स्मृति चिन्ह मिला है। मुझे क्या हो गया? वो अपने आप को बता रही है, वो अपने आप के लिए प्रयोग कर रही है इस सर्वनाम का, तो मुझे स्मृति चिन्ह मिला। अमन, फिर अमन कह रहा है तुमने क्या बनाया। अब यहाँ भी सर्वनाम है तुमने, ठीक है, तुमने क्या बनाया था। अलीशा, मैंने। अब फिर अपने लिए वो प्रयोग कर रही है, मैंने आम की डाली पर कुकती कोयल का चित्र बनाया था, ठीक है। अमन, वह तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, आम का चित्र मैंने वो अपने लिए की है, आम की डाली पर कुकती कोयल का चित्र, ठीक। तो कुकती कोयल का चित्र, ये इसको सर्वनाम क्या दिया जा रहा है? वह तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। अलीशा फिर कह रही है तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हें पसंद आएगा। देखिए, अलीशा अमन को उसके नाम से नहीं, सर्वनाम से प्रयोग बुला रही है, पुकार रही है कि तुम्हें, मतलब अमन को कह रही है कि तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हें पसंद आएगा। अमन, मैं जरूर देखूंगा। अब अमन अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहा है, और वह मुझे जरूर पसंद आएगा, और वह मुझे अपने आप के लिए कह रहा है कि मुझे जरूर पसंद आएगा। अलीशा और अमन के बीच जो बातचीत हुई उसमें आए इन शब्दों को देखिए, तुम्हें, मेरा, उसमें, उसने, तुमने, क्या, मैंने, यह, तुम्हें, मैं, वह, मुझे, ये शब्द संज्ञाओं के स्थान पर आए हैं, ये सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम की परिभाषा बताया जा रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं।
सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग से भाषा की सुंदरता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? अगर हम वह के स्थान पे, उसने के स्थान पे या तुम्हारे स्थान पे अगर सिर्फ नाम ही हम प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य में सुंदरता नहीं रहेगी, वह वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। उन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग उचित होता है, इससे वाक्य भी सुंदर लगता है और भाषा भी सरस हो जाती है। ठीक है, याद रखिए वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे देखिए कोई अर्थ नहीं बदलेगा अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो। जैसे राकेश आज नहीं आएगा, राकेश क्या है? संज्ञा है। तो राकेश आज नहीं आएगा इसके स्थान पर हमने प्रयोग किया है सर्वनाम का, कि राकेश नाम है, संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने लिखा वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा। अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, दोनों अर्थ, दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए सर्वनाम के प्रयोग से कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। माता जी कुछ नहीं कहती, माता जी कुछ नहीं कहती, ये दूसरा शब्द है, दूसरा वाक्य है, वे कुछ नहीं कहती। इस वाक्य को यहाँ लिखा गया है माता जी संज्ञा है, माता जी के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो वाक्य का अर्थ नहीं बदला है, इसलिए यह वाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है वे। मीना कल आएगी, मीना क्या है? किसी का नाम है, तो ये संज्ञा है और मीना के स्थान पर हमने लिखा है वह कल आएगी, तो वह सर्वनाम हो गया। राकेश और उमेश अच्छे हैं, राकेश और उमेश अच्छे हैं, तो क्या है? वे अच्छे हैं। राकेश और उमेश संज्ञा है, उन लोगों को हमने सर्वनाम के साथ प्रयोग किया है, तो वे अच्छे हैं। ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है, देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं, मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, इसे, इन्हें, इन्होंने, वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, जिसे, जिसने, जिन्होंने, किसे, किसने। ये क्या है? ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो हमेशा वाक्य में प्रयोग होते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका सर्वनाम हो गया। अब देखिए जिस प्रकार संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब एक वचन को बहुवचन में सर्वनाम में कैसे लिखते हैं वह यहाँ बताया गया कि यह है एक वचन, ये कालम बनाया गया है, एक एक वचन का, एक बहुवचन का, एक वचन है, एक ये बहुवचन है। एक वचन क्या है? मैं। एक आदमी अपने लिए प्रयोग करता है अगर सर्वनाम का, तो वो वहाँ मैं होता है। और मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। हम मतलब कई लोग, हम सब, कई लोग हमारे एक साथ हैं, तो हम वहाँ मैं नहीं प्रयोग करेंगे, हम हमारे बहुवचन में आएंगे तो वहाँ हम हो जाएगा। तू, तू कह रहा है कि तू एक लोगों के लिए प्रयोग होता है, और तुम बहुवचन है, तुम माने कई लोग। वह एक व्यक्ति के लिए कह रहा है कि वह, और वे माने वहाँ कई सारे व्यक्ति हैं, तो ये बहुवचन में आएगा वे। यह मतलब एक एक ही वस्तु है, तो इसे दिखाया जा रहा है कि यह है, और ये मतलब ये बहुत सारे वस्तु हैं। अब है किसे, किसे एक वचन है, एक लोगों के लिए कह रहा है, और किन्हें, किन्हें मतलब कई लोगों के लिए, जिसे, जिसे एक वचन है, और एक वचन इसका क्या होगा बहुवचन, जिन्हें बहुवचन होगा। इसे, इसे का अर्थ होता है एक मतलब इसे, और इसका बहुवचन होगा इन्हें, उसे, उसे का बहुवचन होगा उन्हें। तो ये हो गया आप लोगों का एक वचन से बहुवचन बनाना। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से भाषा सुंदर लगती है और सरस हो जाती है। सुंदर और सरस से क्या मतलब होता है कि जब हम जो कोई वाक्य बोलते हैं तो अगर हम उसमें बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह वाक्य
अच्छा नहीं लगेगा, वो वाक्य हमें गलत लगेगा, इसलिए हम बीच बीच में सर्वनाम का प्रयोग करते हुए किसी भी वाक्य का प्रयोग करें वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि सर्वनाम से भाषा सुंदर लगती है और सरस हो जाती है, मतलब आसान हो जाती है हमें पढ़ने में और समझाने में भी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर समाप्त। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कह है अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जा सकते हैं, मतलब जाते हैं, कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। मैं तुम, मैं हम, मैं आप, तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो मैं तुम तो अपने लिए नहीं होगा, मैं अपने लिए होगा लेकिन तुम दूसरे के लिए होगा। मैं हम दोनों क्या है, अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, मैं अपने लिए और हम मने हम सब हैं। मैं आप, एक तो अपने लिए किया गया और एक आप मतलब दूसरे के लिए, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये दूसरा वाला सही है, मैं हम, इस पे सही का टिक लगाइए। जिससे बात की जा रही हो उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तुम आप, हम तुम, मैं वह, इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, तुम आप। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, इनके पंख रंग बिरंगे हैं, ये फूलों से रस लेती हैं, इनसे बाग की शोभा बढ़ती है, हम इनके पीछे पीछे भागते हैं पर ये हमसे दूर उड़कर चली जाती हैं, हम इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कल एक तितली फूल पर मंडरा रही थी, संजय उसको पकड़ना चाहता था, वह धीरे धीरे तितली के पास पहुंचा, उसने जैसे ही हाथ उसकी ओर बढ़ाया तितली फूल से उड़ गई, वह उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई। इसमें देखिए जितने भी शब्द को सर्किल में किए हैं हम, जो भी है ये सब क्या है, सर्वनाम है। देखिए हमने सभी सर्वनाम शब्दों पे गोला किया है, आप लोग भी अपनी बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एक्सरसाइज है सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। जैसे अमन अपनी माता जी के साथ बाजार गया, अमन अपनी माता जी के साथ, तो अमन किसके लिए अपनी का प्रयोग कर रहा है, अपनी माता जी के लिए, तो यहाँ अपनी लिखा है। अब दूसरा है लड़कियों की टीम जीत गई, उन्होंने सराहनीय काम किया, अब यहाँ हम लिखेंगे उन्होंने, सर्वनाम क्या है उन्होंने। तोता उड़ रहा था, उसने जमीन पर मिर्च देखी, उसने किसने, तोता ने, तोता अगर हम लिखते कि तोता उड़ रहा था, तोता ने जमीन पर मिर्च देखी, यह वाक्य सुंदर नहीं दिखता, इसलिए लिखा है तोता उड़ रहा था, उसने जमीन पर मिर्च देखी। कल मेरे पापा घर जल्दी आ गए, अब देखिए यहाँ मेरे पापा लिखा है तो मेरे क्या हमारे लिखेंगे या उसके लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अच्छा वो वाक्य सही नहीं होगा, कल मेरे पापा जल्दी आ गए, यहाँ मेरे हो जाएगा। अलीशा की माँ ने कहा, माँ अलीशा ने माँ से कहा आज मैं सब्जी रोटी खाऊंगी, तो अलीशा ने माँ से कहा, अलीशा यहाँ दिया है संज्ञा, और अगर यहाँ भी अलीशा हो गया कि आज अलीशा सब्जी रोटी खाएगी तो वो सही नहीं होता, इसलिए अलीशा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैं सब्जी रोटी खाऊंगी। जो यह कार्य करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो यह कार्य करेगा, तो यहाँ अगर हम लिखते कि जो यह कार्य करेगा, जो यह कार्य करेगा पुरस्कार मिलेगा, ये सही नहीं होता, ये सुंदर नहीं लगता, तो जो यह कार्य करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, यह उसे सर्वनाम यहाँ लिखना है। तो ये आप लोगों का चैप्टर हो गया। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे, क्या है संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके लिखिए। आप लोगों को पता है ये विकास, संज्ञा मैं सर्वनाम, अब हम सर्वनाम उसका सर्वनाम, राजा है, दिल्ली, बिल्ली, आम, उनका वे, इसमें जो संज्ञा होगा इस कालम में लिखेंगे, सर्वनाम होगा इस कालम में लिखेंगे, ये आप लोगों को अपने दिमाग से खुद से भरना है। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मेरी कलम से लिखो, यहाँ दो दो ऑप्शन दिया है, मेरी उसने उससे, तो उससे कलम से लिखो नहीं होगा, मेरी कलम से लिखो। कितने जितने, इस टोकरी में कितने आम हैं, यहाँ कितने के स्थान पर अगर जितने लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। मेरी बहन उसके साथ आएगी, वह या उसके, तो यहाँ लिखेंगे उसके। कोई आया था, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह है तो यहाँ किसने, किसी ने या कोई में से कोई आया लिखेंगे। ज्योति उसकी मित्र है, तो ज्योति उसकी मित्र है या उसको मित्र है, तो उसकी मित्र है, यहाँ लिखेंगे उसकी।
ठीक है, ये भी आप लोगों का एक्सरसाइज हो गया। अब इसे होमवर्क एक और आप लोगों को दे रहे हैं, नीचे दिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करो। उसने, उसने कल मुझे मारा था, यहाँ एक लाइन का वाक्य बना है, आप लोगों को भी हमारी आपसे उसका तुम्हें इसका वाक्य बनाना है, ठीक है। फिर बुक में आप लोग भरेंगे, देखिए नीचे पीछे दिया है सर्वनाम शब्द लिखकर कहानी पूरी करो। बिल्ली ने एक चूहे को देखा, बिल्ली अरे वाह वाह मेरा, वह रहा मेरा शिकार, मैं आज उसे पकड़कर दावत उड़ाऊंगी। ये कहानी आप लोगों को सर्वनाम के द्वारा कंप्लीट करनी है, मैंने तो कर दिया अपने बुक में, अब आप लोग भी अपने बुक में इस कहानी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है, आप लोग अगले चैप्टर में हमारे साथ फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से लिखिए पढ़िए, और इसका PDF जाएगा तो अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा, और सारा क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा, एक्सरसाइज ध्यान से पढ़िएगा, सारा एक्सरसाइज लर्न करना है, जो एक्सरसाइज होमवर्क में दिए हैं वो भी करना है, ठीक है। थैंक यू।